तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। विराट कोहली की परफॉर्मेंस और फ्री फायर में कंट्रोवर्सी तो एक ना एक दिन आनी है, बट सोचने की बात तो यह है कि किसे एंजॉय करना है और किसे अवॉइड। हाल में एक प्रॉब्लम मेरे सामने आ चुकी है। ऐसा बताया गया है कि कुछ टीम मैनेजर्स इनवाइट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर ओरिजिनल टीम की जगह किसी और टीम को भेज देते हैं उस स्लॉट पे, जिससे टीओस की वाचिंग पे काफी इफेक्ट पड़ता है और फिर आगे टूर्नामेंट्स के लिए स्पॉन्सर्स का जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली मैं टीम मैनेजर का भी पीओवी सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने उस बंदे को इंस्टा पे मैसेज किया है। टॉप T1 टीम्स के स्लॉट्स अभी फिलहाल जो भी मैनेज कर रहा है, चाहे डेडिकेटेड मैनेजर हो, IGL हो, या मैनेजर के एब्सेंस में कोई और कर रहा हो, वो प्लीज एक बार मैसेज चेक करो। आपस में मैटर सॉल्व करते हैं, पब्लिक में आने पे फालतू में टीम को गाली पड़ेगी, जबकि उनकी गलती भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है रोकी भाई की तरफ से। तो उन्होंने इंद्रो भाई के साथ डिस्कशन में बताया है कि हमारे सर्वर से फ्री फायर मैक्स नहीं जाएगा। रॉकी भाई, ये ब्राजील का क्या सीन है? पता है नहीं क्या बोलते रहते हैं। फ्री फायर मैक्स का पता नहीं, वो तो उनके सर्वर अरे में उनका है, अपना उनका कुछ है, नहीं। अपना कुछ नहीं है। अब जैसे अपने सर्वर पे गेम वो बंद हुआ था, तो थोड़ी बाकी सर्वरों में बंद हो गया। वैसे ही उनके सर्वर में अपडेट आए नहीं है, उससे हमको क्या लेना था? ग्लोबली थोड़ी अनाउंस है कुछ। हाँ हाँ कि लोगों पसंद ही नहीं है मिक्स खेलना, कम आउट करा बंदे होगा पता दस है, बारह हमारे वाले तो अलग ही है भाई। थोड़ा सा होता है भाई, डिमोटिवेट हो गए, ये हो गया वो हो गया, क्या भाई यही करते रहो। लोग कुछ करने के बाद सफलता नहीं मिलती उसमें डिमोटिवेट है, हमारे वाले बिना करे डिमोटिवेट हो जा रहे। लेकिन क्या हाँ लगता तो है, तू फ्री फायर मैक्स बंद कर देगा तो कभी चांसेस है इधर भी बंद होने का इन फ्यूचर? क्यों बंद करेगा, रीजन ही है नहीं उसको बंद करने का। क्या वजह है हो सकती है बंद करने का, कोई रीजन तो हो। वहां पे बंद करने का रीजन जैसा रावण भाई ने बोला वही है कि वहां पे ज्यादातर लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, और हमारे यहाँ पे मैक्स के कारण जो है गेम अभी भी टिका हुआ है, तो बंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक्चुअली देखा जाए तो अगर गेम फीफा नॉर्मल फीफा प्ले स्टोर से नहीं हटता ना, तो कोई भी बंदा मैक्स खेलता ही नहीं, क्योंकि खेलता ही नहीं। हमारा भी वही सीन था। खुद नहीं खेलता था मैं तो, फीफा नॉर्मल नहीं खेलता था और मजबूरन खेलना पड़ा क्योंकि फीफा चला गया प्ले स्टोर से नॉर्मल। अगली अपडेट है द माफियास के बारे में। तो क्या आपको पता है TM में सबसे ज्यादा एजुकेटेड प्लेयर कौन है? नहीं पता है तो आज जान लो। भाई सीखो भाई, 85 लेवल हो गया तुम्हारा। यस फौजा सबसे ज्यादा एजुकेटेड आपकी टीम में कौन है? बाला भाई, भाई इंजीनियर बन के बैठे हैं भाई। मैं कुछ इंजीनियर नहीं होता, वो अलग बात है, खुद का कॉलेज है। ये बात दोस्त यार, बस मुझे भी इतने पैसे चाहिए, मेरा भी कॉलेज होता। अब भारत अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है गैस द वॉइस। कल की आवाज थी फौजी भाई की, अब आज की आवाज गैस करो। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, इरादे भी जिद्दी हैं। नेक्स्ट अपडेट है लिडोमा साउथ एशिया प्रो लीग से। तो ग्रुप बी में टॉप पर HOB, सेकंड पे टीम हिंद एंड थर्ड पोजीशन पे है 3X गेमिंग। अगली अपडेट है इनकम के बारे में। तो अभी तक तो हम ई स्पोर्ट्स प्लेयर की अर्निंग जानते थे, लेकिन आज देखते हैं BGMI क्रिएटर्स की अर्निंग। मंथ में कितना कमाते हो? मंथ में चलो मैं एक एक राउंड फिगर, एक एक क्लोज गेस देती हूँ। वैसे आप कोई अपना इनकम वैसे वो करता नहीं है, बट देखो यूट्यूब का अलग सीन है, यूट्यूब को अलग छोड़ दे। फिर मैं ब्रांड्स करती हूँ ना, तो वो ब्रांड के हिसाब से, मतलब जितने मैं ब्रांड करती हूँ उसके हिसाब से इनकम होता है। कितने आईफोन ले सकते हो एक मंथ में? मैं कितने आईफोन ले सकती हूँ? फिक्स्ड अगर बोलूँ तो अराउंड 30-35, 40-35। चलो भाई मैं जा रहा हूँ डिप्रेशन में, रहन दो भाई, वहां भी मुझे नहीं रख रहे। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट अपडेट है IGL फ्री फायर ट्रैम्प से। तो D3 के बाद टॉप पर है हेड हंटर्स, सेकंड पे है बिग ब्रदर एंड थर्ड पोजीशन पे है टीम हिंद।
अब भारत अगले सेक्शन पे जिसका नाम है नॉलेज चेक। कल कोई आंसर आया ही नहीं, चलो आज बताओ नागालैंड से स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम। नेक्स्ट अपडेट है पहाड़ी के बारे में, तो इतने दिन से पहाड़ी कहाँ है, इस सवाल का जवाब ये मिला। यार किल बढ़िया आ गया, जा रहे हैं। क्या कर रहा है ओए? ओए क्या खेल रहा है? बिजी है मैं। और फ्री फायर का क्या सीन? फ्री फायर यार अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ ग्राइंड कर लो, बिजी है मैं। होली बैग रहा है। ओ शुश शुश। अगली अपडेट है टॉप ई स्पोर्ट्स गेम के बारे में, तो प्राइस पूल के हिसाब से 2022 में टॉप गेम है डोटा 2, सेकंड पे पबजी मोबाइल एंड थर्ड पोजीशन पे है अरिना ऑफ वेलर, आपका प्यारा गेम है 11th पोजीशन पे। और अगर ऑल टाइम रैंकिंग्स की बात करें तो टॉप पर है डोटा, पबजी मोबाइल 5th पे है और फ्री फायर 17th पे, और कल का आया वैलोरेंट है 15th पे। सहलेंगे थोड़ा सा। अब भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है टॉप प्ले ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्ले आरएनएक्स जैका, जिन्होंने एक बार बंदूक चलाई तो 1v3 के बाद रोकी। ओके 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 ओके, उतरते ही फाइट हो चुकी आरएनएक्स की एक बार फिर से बांग्लादेशी टीम के सामने, और इस बार आरएनएक्स के सामने खड़ी आरएनएक्स ताबड़तोड़ हमला करना चाहती है। सामने खड़े महाराष्ट्र के डिस्ट्रॉयर जाए, पहला शॉट नॉकआउट महाराष्ट्र के जाए, दूसरा शॉट नॉकआउट, तीसरा शॉट नॉकआउट, तीन नॉक जाए के द्वारा जाए। ओ भाई, अरे भैया क्या बात है, अब तक बंगाल का जोर देखा था, अब हमने देखा मराठा दम। जय शिवराय। या गाइस, यहां पे अब तक देखने को मिला था बांग्लादेशी जोश, लेकिन अब दिखा है मराठा दम। अगले टॉप प्लेयर डिलीट का, जिन्होंने 1v3 किया है। दो है भाई साइड में, उन लोग डिलीट कर दे आराम से काम, बस मेरे पास है, बस अब दो बंदे चाहिए शायद। तीन तीन बंदे, एक विमान दिया ना। हाँ देख, मैंने दे दिया। हाँ दो ही, दो ही बचे हैं यार। डिलीट उसकी वॉल का रोल वाले, उसकी वॉल पे चला घुस जा क्लोज पे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।